IBS रेडियो और टीवी पर यू के चाहने वालों, अदाब तस्लीमात। मैं हूं बशीर शाह और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपके बेहद असरार पर टीवी फॉर यू कनाडा स्टूडियो का इफ्तिताह किया जा रहा है और इस सिलसिले में हमारा नावल शिकार उसकी आठवीं किस्त आप हमारी टीवी फॉर यू की बेहतरीन आरजे सुंदस आयात की आवाज़ में सुन पाएंगे। शुक्रिया। इस्राइली अफवाज पहाड़ी को काटते रहे और अक्वामे मुत्तहिदा की अफवाज रोकने में कोशां रहीं, लेकिन शाम 8 बजे तक अक्वामे मुत्तहिदा के रोकने वाले बिल्डोज़र नाकाम कर दिए गए और इसराइली अफवाज अपने मकासद में कामयाब व कामरान पहाड़ी को तहस नहस करके अपनी मनमानी कर गए। मोजिज़ नाज़रीन, मैं हूँ आरजे सुंदस हयात। शिकार की आठवीं किस्त आपकी नज़र कर रही हूँ। नावल के बारे में आपकी क्या राय है, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। हमसाया ममालिक की सरजमीन पर काबिज होकर तुम अपनी सल्तनत को वसी से वसी तर करना चाहते हो, ऐसे हालात पैदा करने के ख्वाहिशमंद हो जिससे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, जब जी चाहे मुट्ठी खोलो और जब चाहो फिर से मुकैद कर लो। ये एहसास बरतरी तुम्हारी मौत का बायस बनेगी। तुमने 2 मई 1967 में उर्दन, मिस्र और शाम पर हमलावर होकर 6 दिन की जंग में मोहलिक हथियारों से सहराए सीना, वेस्ट बैंक, मशरकी यरूशलम, गजा की पट्टी और गोलान की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जो बावजूद महज कारकर्दगी करार दादों के अभी तक तुम्हारे तसल्लुत में है। दज्जाल की आमद को यकीनी बनाने के लिए जिस कदर तुम तेज़ी दिखा रहे हो, इसका एक सबूत ये भी है कि तुमने गोलान की पहाड़ियों पर गरकत के दरख्तों की अफजाइश कर दी है। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक एक दरख्त दज्जाल का मुआविन दरख्त है जिसे गरकत कहते हैं। दज्जाल से बरसरे पैकार अल्लाह के ख़ास बंदे दज्जाल की करिश्मा साजियों और मुलम्मा साजियों पर यकीन नहीं करेंगे और वो दज्जाल तमाम रहबरे कुल होगा, तुम उसी की बात मानोगे। और जब दज्जाल को जवाल की राहों पर खुद को समेटने का मौका मैसर नहीं आएगा तो तुम भी भाग दौड़ करके खुद को पत्थरों और दरख्तों के पीछे छुपाते फिरोगे। उस लम्हे पत्थर और दरख्त पुकार उठेंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये शैतान लोग मेरे पीछे छुपे हुए हैं, इनको मार डालो। लेकिन वाहिद ये दरख्त करकद कुछ नहीं बोलेगा और तुम्हारी पनाहगाह को जाहिर नहीं करेगा, इसीलिए इस दरख्त की फरावानी करने में हर तरफ लगे हुए हो। कर लो जितनी कोशिशें करनी हैं, बिलाखिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सोने में तांबा मिलाकर फरोख्त कर रहे हो और इस मिलावट को अपनी नई टेक्नोलॉजी में असली जाहिर कर रहे हो। सफ़ेद सोने को प्लैटिनम का दर्जा देकर चांदी की पैवंदकारी करके
अपने स्टॉक से रोशनास करवा कर महंगे दामों मार्केट में फरोख कर रहे हो और सफ़ेद सोने के तमाम ज़खायर जहाँ कहीं भी हैं इन पर मुकम्मल काबिज हो, ताकि तुम्हारी प्रबंधकारी और मुलम्मा साजी की कलई ना खुल जाए। अब असली और जाली करेंसी दोनों तुम्हारी हैं, इनमें जर के पुजारी और हम जैसे नादान लोग शामिल हैं, जो तुम्हारे हर इशारे पर सर तस्लीम खम करके कवायद व जवाबत पर आदाब व तस्लीमात और ताज़ीम व तकरीमात जैसे शायस्ता फिक्रात की अदायगी में दौलत की फरावानी को चार चांद लगा रहे हैं। इन्हीं सोचों में सूली पर भी नींद का गलबा हो गया। किंग करवटें बदल बदल के अपनी पेचीदगियों में उलझा हुआ था। उसका अगला प्रोग्राम क्या है? रात के आखिरी पहर में आँखों से नींद का गायब हो जाना एक बहुत बड़ी परेशानी का लुबे लुबाब था। ये असद अली शामी उर्फ टाइगर किस हैसियत में है और खादमाएँ जो परियों के रूप में हैं, लेकिन इस घर में नौकरानियाँ हैं, उनका असल चेहरा क्या है? डॉली का हर बात में टाइगर की जानिब देखना और जूली का इसमें दिलचस्पी लेना किस बात का पेश खैमा है? यकीनन उसे मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए ये दिलकशी से भरपूर चेहरे उसके इर्द गिर्द फैला दिए गए हैं। उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसकी शिकार की हुई रकम भी उसके पास है और $125,000 भी उसके कब्ज़े में है। सारी रकम लेकर वापसी का टिकट कटवा लूँ तो बेहतर है, लेकिन एयरपोर्ट से रुख्सती कैसे होगी? इन्हीं सोचों में दिमाग के किसी कोने से आवाज़ आई, देखा फंस गए हो ना, अगर शुरू दिन से मेरी बात पे अमल किया होता तो आज इस भंवर में गोते ना लगाते। अब भी वक्त है, सच्चाई को सामने रखो और अपना वजूद इस हवस जर से बाहर निकाल लो। लेकिन का लफ्ज़ तो आता था, लेकिन इख्तितामिये पर एक तरकीब और सूझी कि किसी दूसरे मुल्क से भागने का मंसूबा बना लूँ तो बेहतर है। अगर टाइगर उसे दमिश्क ले जाए तो हो सकता है वहाँ से तुर्की का बॉर्डर करीब पड़ेगा। तुर्की में तो किसी सूरत वो बच नहीं पाएगा। खुद की हिफाजत करते करते जब थकावट महसूस होने लगी तो उसने अपने बदन को लहरों के सुपुर्द कर दिया। कहीं ना कहीं तो साहिल मयसर आएगा। नींद की देवी मेहरबान हुई और अपनी आगोश में लेकर भूले बिसरे ख्यालों को थपक थपक कर उसने सुला दिया। शब बेदारी अल्लाह की याद में हो तो उसका सुकून कल्बी उरूज पर होता है। देर तक खुशगपियों में मसरूफ़ रह कर और रात की बाकी मांदा कड़ियों को रंजो अलम की भेंट चढ़ा देना और सोचों के अमीक भंवर में शब बेदारी थकावट और अफसरदगी का मुरक्का बन जाती है। रात के आखिरी पहर तक वसवसों में गुजरने वाले लम्हात नींद की आगोश तक जब रसाई हासिल कर लेते हैं तो ख्वाब भी कुछ अधूरे अधूरे से नज़र आते हैं, जिनकी ताबीर भी आयां नहीं हो पाती। सुबह काज़िब से सूरज की पहली किरण तक के नज़ारों से महरूम शख्स को कैसे खबर होगी कि शबनम के क़तरे फूल की पत्तियों पर कैसे नछावर होते हैं, बादे नसीम और बादे शमीम का गुज़र कैसे और किस वक्त होता है, और गुलों के अंदाज़े दिल रुबाई से भीनी भीनी खुशबू का ऊद कराना माहौल की तरोताजगी को चार चांद कैसे लगाता है। ये सब महरूमियत बेवक्त होने की अलामत है, जबकि सूरज की पहली किरणों तक की मसावी रोशनी के सुनहरी उसूलों को देखने का दकीका जाहिल हो जाता है। हर चीज़ हर वक्त से बेवक्त में ढल जाए तो तरोताजगी में फ़र्क आ जाता है। कुदरती उसूलों में झोल नहीं होती। जैसे गुजरा वक्त फिर से आ जाए नामुमकिन है।
भूल भुलैयों में खोए रहने से दो नतायज बरामद नहीं होते जो आज़ाद हशाश बशाश दिलो दिमाग से अखज़ किए जाते हैं। एक ही छत तले रहने वाले जब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, इस वक्त तक वो अजनबियों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी मनाजिल आसानी के बजाय मुश्किलात का सबब बनती हैं। मौसमों के तगैयुरात इस बात के शाहिद हैं कि किसी भी तब्दीली के असरात अलग अलग हैं। सावन भादों की फुहार का तासुर मुख्तलिफ, सर्दी के लिबास अलग, खिजा की अफसुर्दगी हर सू पिलाहट, बहार की अपनी बहारें अंग अंग में तरोताजगी, हरियावल ही हरियावल, खून में नई लहर, गुलो बुलबुल के किस्से, शायरी तशबीहात और न जाने कितने मोहब्बत करने वालों की उमंगें परवान चढ़ती हैं। फिर अचानक वक्त का धारा बदल जाता है और गर्मी की शिद्दत इस कदर हो जाती है कि मस्नूई ठंडक एयर कंडीशन से हासिल करके इंसान अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की मकदूर भर कोशिश में सरगर्दां नज़र आता है। शर्कुल औसत में लिबनान वाहिद मुल्क है जहां सहरा नहीं, वरना निसफ शब तलक गर्मी का तासुर ज़रूर होता, लेकिन सूरज तुलू होकर तमाजत में किरने जाने तक ठंडक का राज रहता है। गर्मी के इस मौसम में हरारत के दर्जे को मुतनासिब रखने के लिए एयर कंडीशन पूरी तरह कोशां था कि अचानक इसका बंद हो जाना कमरे के माहौल को अफसुर्दा कर गया। किंग ने पासा पलटा और वक्त की पुकार 9 बजे से तजावज़ कर चुकी थी। आंखें मलते मलते चंद एक जमाइयों ने अपना कब्ज़ा जमाए रखा, फिर कहीं उसे ख्याल आया कि वो कहाँ हैं। चारों नचार उठना पड़ा। बिजली के कमकमों में यक लख जान आ गई और एयर कंडीशन भी अपनी मखसूस आवाज़ देना शुरू हो गया। मस्नूई आलात और कुदरती मुहरकात में वाज़े फ़र्क है। किंग ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल के जूं ही ड्राइंग रूम में आया, ऐन उसी वक्त जूली नाश्ते की ट्रे उठाए सबाह अल खैर कह रही थी। हुस्न मुजस्सम, किताबी चेहरा, नशीली आंखें, बालों की लट का कटाव, गुलाबी गुलाबी गालों में गढ़े, ढोड़ी में कटाव, मुतवाजन जिस्म, मखरूती उंगलियां, सुराहीदार गर्दन, सुतवा नाक, लबों की लाली, मुस्कुराहट में दिलकशी और मोतियों जैसे दांत, बोलने का अंदाज कयामत खेज था। सुबह सुबह हुस्न का दीदार हो तो दिन कितना खुशगवार गुजरेगा। शब भर की तमाम तलखियां दूर हो गई। कहो जूली, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं शब कैसे गुजरी? बस गुजार ली अपनी तन्हाइयों के साथ। अजीब बात है, आप तन्हा क्यों हैं? हम जो हैं आपके साथ आवाज़ दे ली होती। आपकी नींद में मुखल होना कोई अच्छी बात है? नहीं बॉस, आप हरगिज़ ऐसा मत सोचिए, हमें आपकी खिदमत करके खुशी होगी। तो फिर बॉस कहना बंद कर दो, क्योंकि लफ्ज़ बॉस की बंदिशें बहुत हैं, इससे आज़ादी मिल जाए तो अजनबियत ख़त्म हो। अगर मैं बॉस कहना छोड़ दूँ तो दूसरे क्या सोचेंगे? शुकूक जब पैदा होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए सोचों के अंबार लग जाते हैं। बात तो तुम्हारी भी किसी हद तक ठीक है। चलो अपने लिए भी चाय बनाओ, मैं अकेला नाश्ता करके क्या करूँगा। टोस्ट पे लगाओ मक्खन। जूली की दबी दबी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। क्या हुआ, गली फूल बनने की जल्दी में है? शबनमी कतरों का वक्त तो कब का गुजर चुका। आपका ज़ौक शायराना हो रहा है, अच्छा लगा बॉस। लेकिन फिर बॉस, दूसरों के सामने बॉस कह लो,
लेकिन हम दोनों में बॉस कहाँ से आ गया? जी ठीक है, जुबान पे अजबर होने वाला लफ्ज़ बॉस इतनी जल्दी कहाँ गायब होगा, इसे नुमाया रहने दें। और ये लीजिए जनाब, मक्खन लगा टोस्ट। अब तुमने मक्खन लगा दिया है तो साथ निभाएंगे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन आज से कबल साथ निभाने वाला कोई नहीं मिला। हर फूल की किस्मत में नाज़े अरूसा नहीं होता जूली। मैंने कभी सनफे नाजुक के मुतालिक इस तरह नहीं सोचा था जैसे आज की मुस्बत सोच ने मुझे पूरी तरह मदू किया है। और ये दावत तुम्हारे हुस्न की रनाइयों की बदौलत है। हुस्न तो एक से बढ़कर एक है साहब इस कायनात में, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं जूली। अच्छा ये बताओ, तुमने अपना जीवन साथी अभी तक तलाश किया है या नहीं? जीवन साथी तलाश नहीं किए जाते साहब, मिल जाते हैं, जैसे तुम मुझे मिल गई हो। क्या खबर साहब, इस खुशकिस्मती में कितनी सच्चाई हो। क्यों, क्या बात है खुशकिस्मती में? मायूसी का पैवंद कुछ अच्छा नहीं लगा। आपके नज़दीक खुशकिस्मती का अवतार अगर यही है मेरा मिलना, तो इसमें परेशाने वाली बात तो कोई है नहीं। ना कोई रकीब, ना वालदेन का मना करना, ना ज़माने का खौफ, ना ताना जनी, सब राहें आपकी तरफ कुशादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुस्न ने इश्क को कबूल कर लिया है? जहाँ तक बात हुस्न की है, वो तो चिलमन में अच्छा लगता है, और इश्क, उसके तो रंग ही निराले होते हैं। इश्क हकीकी बड़े जान जोखों का काम है साहब, सारी ज़िंदगी लग जाती है दाव पर। हम दोनों में हुस्न और इश्क वाली बात नहीं, आका और लौंडी का रिश्ता है। मैं तुम्हारे अंदरूनी खलफिशार को समझ गया हूँ जूली। मुझ में फूल की हर पत्ती के हुस्न को देखने की ख्वाहिश तो मौजूद है, लेकिन फूल को तोड़कर सूंघ कर पाँव के नीचे मसल देने की आदत नहीं। बैरूनी दरवाजे पर घंटी की आवाज़ ने जूली में अरताश पैदा कर दिया। क्या हुआ जूली, कहाँ जा रही हो? जी डाकिया डाक छोड़ गया है पोस्ट बॉक्स में। चाय के हर घूंट के साथ किंग के चेहरे के तगयुरात जूली के एक एक लफ्ज़ का जायज़ा ले रहे थे। क्या क्या सितम नहीं हुए होंगे इस पर। अभी जवानी में कदम रखे चंद साल ही गुजरे हैं कि इसकी पजमर्दगी की दास्तानें इसकी बातों से जाहिर हो रही हैं। जूली को ऊपर आता देखकर किंग ने उसके हाथ में एक पैकेट देखा। ये क्या है जूली? जी ये बेनाम पैकेट है, एड्रेस इस घर का है। अगर छोटे बॉस असद अली शामी का होता तो उनका नाम लिखा होता। यकीनन आपका है, इसलिए मैं ऊपर ले आई हूँ। और वैसे भी इस वक्त आप इस घर के मालिक हैं, और मेरा फ़र्ज़ अवलीन है कि डाक आप तक पहुँचाऊँ। असद अली कहाँ गया? जी वो हमें यहाँ छोड़कर बाज़ार गए हैं घर का सामान लेने, बस आते ही होंगे। मुझे इजाज़त है नाश्ते के बर्तन समेट लूँ और डॉली के साथ घर के कामकाज में हाथ बटा लूँ? हाँ हाँ इजाज़त है। किंग पैकेट को लाशौरी तौर हाथों में मुतहरिक किए जूली से मुखातिब हुआ। जूली तो जा चुकी, अब पैकेट को खोलते ही किंग की भवें ऊपर नीचे होने लगीं। पांच सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर ने चेहरे की रंगतों में बेशुमार तब्दीलियां की। फिर से इबारत पढ़ी और रंग मज़ीद निखरे। तीसरी बार तहरीर के हर पहलू पे गौर किया तो मुकम्मल मंसूबा समझ में आ सका। बस आज की छुट्टी है, कल सुबह फिर धंधे पे निकलना होगा। आज के हर लम्हे को संवारना होगा। आग के भड़कते शोलों में ना जाने कब कोई भस्म होके रह जाए, क्यों ना ज़िंदगी की खुशियों को दामनगीर किया जाए। जूली फिर से ऊपर आई और दोपहर के खाने में आपकी पसंद क्या है कह रही थी। मेरी पसंद अब तुम्हारी पसंद है, जो दिल में आए बना डालो। लेकिन असद अली किधर है?
क्यों ना उससे राय ले ली जाए। जी उनके मिजाज का डोली को सब मालूम है, आप अपनी पसंद बताएं। अच्छा तो ये मामला अपने ऊपर छोड़ दो, जो तुम्हारे मन में आए। वैसे मेरी एक तजवीज़ है अगर पसंद आए। जी यही तो पूछने आई हूँ, तो फिर मानोगी मेरी बात? जी क्यों नहीं, तो फिर यूँ करते हैं कि दोपहर का खाना कहीं पुरवकार रोमांटिक जगह पर तनावल करते हैं। पसंद आई मेरी तजवीज़? जी जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन छोटे साहब जाते वक्त दोपहर के खाने का सब प्रोग्राम बता गए हैं, इसमें सिर्फ आपकी पसंद को शामिल करना था। अच्छा ऐसे करो, जब असद अली आए उसे ऊपर भेज दो। जी ठीक है, अगर इजाज़त हो तो मैं आपका कमरा दुरुस्त कर लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लो। जूली ने बेडशीट, तकिए, सब कुछ बदल डाला। कमरे के कोने कोने की सफाई करके फूलों के गुलदस्तों में नए फूल सजाए और ताज़ा पानी बदल कर गुसल खाने की जानिब लपकी। किंग कनखियों से जायज़ा लेता रहा और मान माँ की तस्वीर आया होने लगी। माँ की मुस्कुराहट में दुल्हन को देखने की तमन्ना उभर के सामने आई। माँ का रूप बच्चे के लिए कैसी कैसी तमन्ना रखता है, सिर्फ माँ जानती है। माँ की मोहब्बत, वाबस्तगी, प्यार, लगन दुनिया के तमाम रंगों से एक अलग रंग है, जिसकी रंगत के नकूश अनमिट और लाजवाल होते हैं। दयारे गैर में भी माँ की मांग वही है, बच्चे की तंदुरुस्ती, दराजी उम्र और सबसे उम्दा ख्वाहिश शादी दुल्हन। क्या बात है माँ की, औलाद कितनी भी बुरी क्यों ना हो, औलाद है, माँ के प्यार में कमी नहीं आती। लो माँ जी, मैं जूली को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। गुसल खाने से जूं ही बाहर आती है तो मैं उसे अपने पास बिठा के आपसे मशवरा लूँगा कि जोड़ी कैसी है। जूली, जूली! जी जनाब, ज़रा इधर आना, बैठो मेरे सामने। जी थोड़ा सा काम रह गया था, मुकम्मल कर लेती हूँ तो फिर छोड़ो इस काम को, तुम यहाँ मेरे सामने बैठो। जूली संभल के ऐन सामने बैठ गई और मुतमन्नी नज़रों से किंग को देख रही थी। बस ठीक है, अब जाओ। जूली परेशानी के आलम में फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन इस बार इसके दिमाग में ये मसला बरकरार रहा कि ये मोहतरम क्या करना चाहते हैं, बुलाते ही कहते हैं अब जाओ, कहीं इनकी दिमागी हालत नहीं। नहीं तो फिर और कौन सी बात थी जो बॉस होते हुए भी वो ना पूछ सके? कहीं वाकई जनाब मुझ में गहरी दिलचस्पी तो नहीं लेने लगे? इन्हीं सोचों में मुस्तगरिक जूली ने अपना काम ख़त्म किया ही था कि नीचे असद अली के आने की आवाज़ कानों में गूंजी। जूली डॉली, ये सामान गाड़ी से उतार लो, बॉस बेदार हो गए। जूली फौरन नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब लपकी। सुनो जूली जी, असद अली को ऊपर भेजो ज़रा। जी अभी कहती हूँ उन्हें। जूली नीचे चली गई और किंग ने अगले प्रोग्राम की तहरीर को लॉकर में रख दिया। असद अली घर का सामान हवाले करके गाड़ी पार्क किए चाबियां घुमाते घुमाते ऊपर आ गया। खैर आफियत और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। हाँ बॉस, आज की क्या मसरूफियत है? और खाने का जूली को बता दिया आपने कि क्या लेंगे? सुनो असद अली, मेरा ख्याल है दोपहर का खाना किसी ऐसे मुकाम पे खाया जाए जहाँ समुंदर की लहरें दिखाई दें, किनारों के साथ उनका मिलना बिछड़ना साफ नज़र आए। खाने के जायके में मज़ीद इजाफियत के लिए किसी मखसूस रेस्टोरेंट का रुख किया जाए और डॉली और जूली को भी सैर व तफरी में शामिल किया जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? आपके ख्याल की भरपूर तायद करते हुए मैं तहे दिल से सिपास गुजार हूँ कि हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी के अनमोल लम्हात को आपके ज़ेरे साया खुशियों में तब्दील करेंगे, और हम सब की अनथक कोशिश होगी कि आपके मिजाज गिरामी के ऐन मुताबिक सैर व तफरी का तमाम बंदोबस्त किया जाए। जूली डॉली, भाई ऊपर आओ, बॉस बुला रहे हैं।
जूली डॉली आगे पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ ऊपर आ गईं। डॉली अदा बजा लाई, भाई बैठो, तुम दोनों से एक मशवरा करना है। किंग कदरे संजीदा हो गया। भयक वक्त जूली डॉली से जी फरमाइए जब निकला तो उनके चेहरे पर किसी आने वाले खतरे की निशानदेही थी। खसूसन डॉली तो जैसे बुत बन के आँखें झपकाना भूल गई। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सब दोपहर का खाना आज बाहर खाएंगे। खाने से पहले मार्केट से कपड़े, जूते, जेवरात, जो जो किसी की पसंद हो मेरी तरफ से, और खाने का बिल भी। लेकिन तुम तीनों का चॉइस क्या है वो मशवरा करके बताओ कि कहाँ चलेंगे। जूली, वो वाली जगह कितनी अच्छी है जो समंदर के किनारे बारबेक्यू की लज्जत में मशहूर है। हाँ याद आया, जहाँ आखिरी बार असद अली साहब हमें अपनी सालगिरह पे लेके गए थे, बड़ा शानदार दिन गुजरा था वहाँ। हाँ डॉली, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी वो जगह काफ़ी हद तक पसंद है। लेकिन छोटे बॉस से राय ले ले, उनका इंतखाब अछूता होता है। चलो उधर लिए चलते हैं, क्या याद करोगी तुम भी। क्यों बॉस, जहाँ हम ले के चलें कबूल है? भई मामला आप तीनों पर डाल दिया है तो फिर इनकार कैसा। अच्छा ऐसा करो, जल्दी तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। हम सब तैयार हैं तो फिर निकालो गाड़ी, मार्केट का भी तुम लोगों को पता है, मैं तो अभी अनजान हूँ। सुनो असद अली, इस शॉपिंग में कंजूसी मत करना, और तुम भी डॉली जूली, जो मन पसंद करे ले लेना। मेरा दिल चाहता है कि एक घर में रहने वाला ये ख़ानदान जितने दिन भी साथ हैं खुश व खुर्रम वक्त गुजारें और बिछड़ने के बाद एक दूसरे को याद रखें। गाड़ी में हंसी खुशी सब बैठने लगे तो टाइगर ने हस्ब मामूल किंग के लिए पिछला दरवाज़ा खोला तो किंग ने हाथ के इशारे से डॉली जूली को पिछली सीटों पर बिठा दिया, लेडीज़ फर्स्ट कह के खुद अगली सीट पर टाइगर के बराबर बैठ गया। आज से याद रख लो, घर में हम सब यकसा हैं। हाँ, काम के वक्त दर्जात मुकरर किए जाते हैं ताकि मंसूबों की तकमील में कोई खामी ना रह जाए। हंसो खेलो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। मैं इस माशरे से निकल के आया हूँ जहाँ पूरे का पूरा ख़ानदान एक ही छत तले ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत और घर की बड़ी भी हुक्मरानी करती हैं। बाहर के कामों में बुज़ुर्गों के ज़ेर साया तमाम निज़ाम चलता है। फैसले करते वक्त भी बुज़ुर्गों को मुकद्दम रखा जाता है। मशरिकी इकदार में हम लोगों के बुज़ुर्गों को ज़ईफ़ों के लिए बनाए गए सहारों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो अपने बच्चों में आखिरी दम तक दुनिया भर की नेमतें हासिल करते हैं। बॉस कताकलामी माफ, आ गई मार्केट, तो लगाओ किसी पार्क में गाड़ी। ये लें जनाब, आपका हुक्म सर आँखों पर। इस सामने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में क्या ख्याल है? यस बॉस, यहाँ हर चीज़ मुहैया है। स्टोर में चौकर चौबन काम करने वाले ग्राहकों की रहनुमाई के लिए हरकत पजीर थे। बॉस ने लेडीज़ फर्स्ट का कुलिया यहाँ भी इस्तेमाल किया, वो दोनों झिझक रही थीं। डॉली कितनी बार असद अली की जानिब देख चुकी थी, जिसका एहसास करते हुए असद अली ने कहा, मेरी तरफ क्यों देख रही हो, जब बॉस कह रहे हैं तो पसंद कर लो जो चाहिए। कपड़ों के दो दो जोड़े दिमाग जीते दोनों की पसंद पर पैक हो गए। जेवरात की पसंद पर दोनों शर्मा गईं। किंग जान गया कि वो खुद जेवरात पसंद नहीं करेंगी। असद अली, ऐसा करते हैं, एक सेट तुम पसंद करो और एक सेट मैं पसंद कर लेता हूँ। असद अली टाइगर सोने के कारोबार का धनी, जब सोने के सेट को हाथ लगाता है तो वो अनमोल ही होता है। यूँ ही उसने सेट पसंद कर लिया तो किंग ने उसके धंधे को पहचान लिया। किंग दूसरे सेटों को देख रहा था ताकि शक ना गुजरे, लेकिन बिलाखिर उसे हार मानना पड़ी कि असद अली की पसंद से ऊपर सेट वहाँ नहीं था। असद अली एक सोच उभरी है कि दोनों को यकसां रखा जाए, दूसरा सेट भी एक जैसा होना चाहिए। तुम्हारी पसंद हम सबकी पसंद,
क्यों डॉली जूली, ठीक है ना, तुम सब बराबर की हैसियत के हामिल हो। आओ असद अली, अब तुम्हारी बारी है कपड़े खरीदने की। लेकिन एक शर्त में कपड़े खरीदूंगा कि जो कुछ मैं खरीदूंगा वैसा लिबास आप भी पहनेंगे। चलो मंजूर है, जिस तरह दो सोने के सेट लिए हैं इसी तरह अपने लिए और किंग के लिए कपड़े जूते जो जी चाहे ख़रीद लो। असद अली अरबी लिबास का दिलदादा था। सफ़ेद टॉप, सर का रुमाल सफ़ेद, सिया गतरा, ब्राउन कलर की रंगीन ऐनक, तस्बीह और काले जूते उसने पसंद किए और किंग के लिए भी हस्बे वादा वही कुछ पैक करवाया जो अपने लिए था। किंग की नज़र टाइगर पर जमी रही और उसके इंतखाब की दाद देते हुए शुक्रिया भी अदा किया कि शॉपिंग के मामले में उसने इस कदर मदद की। दोपहर का खाना इस कदर लजीज था कि घर की राह लेनी पड़ी ताकि कैलूला कर लिया जाए, वरना बोझल बोझल सा सुस्ती का मारा बदन शायद रेस्टोरेंट में आराम और सुकून के खराटे भरने लगता। 2 बजे के करीब तक रौनक दुबाला रही। बाद अज़ां हर कोई अपने अपने कमरों की जानिब चल निकला। दोपहर कदरे सुकून ले रहे थे कि 2:40 पर गर्मा गर्म खबरों ने जन्म लिया। अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म खाना जंगी के मुंदमिल ना हो पाए थे कि इसराइल ने जनूबी लिबनान में भी जारहियत के झंडे गाड़ दिए। 23 जुलाई 1990 का ये दिन क्या खबर क्या रंग दिखलाए। तजावजात को तूल देकर दूसरों के इलाका जात पर कब्ज़ा करने वाले जनूबी लिबनान के गांव काओ काबा पर हमलावर हो गए। एक नई सड़क अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए बुलडोज़र आ पहुँचे। अक्वामे मुतहिदा की अफवाज APC प्लाटून का आमना सामना इसराइली डिफेंस फोर्सेस के साथ हुआ। इसराइली अफवाज पहाड़ी को काटते रहे और अक्वामे मुतहिदा की अफवाज रोकने में कोशां रहीं, लेकिन शाम 8 बजे तक अक्वामे मुतहिदा के रोकने वाले बुलडोज़र नकारा कर दिए गए और इसराइली अफवाज अपने मकासद में कामयाबो कामरान पहाड़ी को तहस नहस करके अपनी मनमानी कर गए। इस खबर के शुरू होते ही असद अली शामी ने किंग को फौरन तय खाने में आने के लिए कहा और साथ ही जूली और डोली को इशारा किया कि सब काम छोड़कर उनके साथ हो लें। किंग ने देखा कि इस घर में तय खाना भी है जहां आराम करने के लिए सब लवाजमात मौजूद हैं।